नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 1 फरवरी 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में देखा गया? तो कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से, और अब इसका पहला मामला देखा गया है भारत के केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केरल राज्य का एक छात्र था जो कि वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और जब ये वहां से वापस लौटा तो इसकी स्क्रीनिंग कराई गई और उस दौरान ये पता चला कि यह जो छात्र है वह कोरोना वायरस से पीड़ित है। कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ता है हमारे श्वसन तंत्र पर और यह एक आरएनए प्रकार का वायरस है। केरल राज्य की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के वर्तमान में सीएम है पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब से जुड़कर बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? यानी कि बाला देवी से पहले भारत की कोई भी महिला फुटबॉल खिलाड़ी किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से नहीं खेली थी। तो ये जुड़ी हैं स्कॉटलैंड के रेंजर्स फुटबॉल क्लब से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाला देवी की बात करें तो ये मणिपुर की फुटबॉल खिलाड़ी हैं और 2015 और 18 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इन्हें वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुल मिलाकर के 58 मैचों में किए हैं 52 गोल। फुटबॉल का नाम आया है तो एक खिलाड़ी का नाम आपको और याद रखना है, तेलंगाना के हैं, इनका नाम है सुनील छेत्री। क्या नाम है? सुनील छेत्री। राज्य इनका तेलंगाना ही है, थोड़ा सा मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन तेलंगाना ही है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ियों की सूची में है दूसरे स्थान पे, और पिछले वर्ष इन्हें फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला था 6वीं बार। तो ये आप देख सकते हैं बाला देवी को, ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अरविंद कृष्णा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया? तो इन्हें नियुक्त किया है IBM ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। IBM की अभी तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी, इनका नाम था गिन्नी रोमती। तो अरविंद कृष्णा जो कि एक IITian है, ये स्थान लेंगे गिन्नी रोमती का। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम है IBM का। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ये आप देख सकते हैं अरविंद कृष्णा को। अब ये एक विदेशी कंपनी के CEO बने हैं, तो कुछ अन्य आपको बड़ी कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए जिनके CEO भारतीय हैं। सबसे पहला नाम आता है गूगल का। गूगल और इसकी जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इसके कौन बने हैं? सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर पिचाई। इसके अलावा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। फिर आता है मास्टर कार्ड का नाम। मास्टर कार्ड के कौन है? अजय बंगा। और एक नाम आता है एडोब का, एडोब रीडर आप लोगों ने यूज़ किया होगा। एडोब के हैं शांतनु नारायण। तो इन चारों के नाम और किस कंपनी के ये CEO हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था तो आप लोगों ने बेहतर फीडबैक दिया। कई लोगों की ये शिकायत रही कि मैं उनके द्वारा कही गई कई वीडियो को समय पर नहीं बना पाता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि डेली 5 आवर मुझे कम से कम देने होते हैं डेली करंट अफेयर के वीडियो को। उसके अलावा 1 से 1.5 घंटे ऐप में काम होता है यानी कि क्विज को अपलोड करना, इसके अलावा इन वीडियो को अपलोड करना। तो ये सारे काम होते हैं, इसीलिए डेली ये सारे टाइम चले जाते हैं। तो इसीलिए जो बाकी आपके डिमांड की वीडियो है वह अभी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में आपको जो भी और वीडियो चाहिए करंट अफेयर के या फिर स्टैटिक GK के, वह सारे भी आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, भारत व अन्य किस देश की सीमा पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस को स्थापित किया गया? ये स्क्रीनिंग डिवाइस मुख्य रूप से इस प्रकार से होती है जो कि आने जाने वाले लोगों को स्क्रीनिंग करेगी और पता करेगी कि क्या वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। तो इसे इंस्टॉल किया गया है भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया में 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। म्यांमार देश की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की नेपिटा है।
राष्ट्रपति हैं बिंग मिंट और मुद्रा यहाँ की है क्यान। यहाँ की एक चांसलर भी हैं जो कि अक्सर न्यूज में रहती हैं, नोबल पीस प्राइज भी इनको मिला है। इनका नाम है आंग सान सू की। और म्यांमार देश ने अभी समझौता किया था किसके साथ में, चीन के साथ में, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं म्यांमार देश की। ये भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। इसके अलावा पूर्व में ये चीन, लाओस और थाईलैंड के साथ में सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो जनवरी में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्हें नामित किया गया था और फाइनली जो वोटिंग हुई उसमें रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस पुरस्कार को जीतने वाली ये दुनिया की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की ये खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी हैं। और इन्हीं के प्रयासों से पिछले वर्ष जो महिला हॉकी टीम है वह 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। और इस प्रकार से हमारी जो महिला टीम है वह तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई है। तो ये है रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह जो योजना थी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष, और इसमें यह कहा गया था कि जो भी बेरोजगार होंगे उनको कुछ रुपए दिए जाएंगे स्टाइपेंड के रूप में, साथ ही साथ उनको प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। और ये था मुख्य रूप से शहरी युवाओं के लिए। तो अब इसमें जो वित्तीय सहायता थी उसको बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया गया और 100 के बजाय 365 दिन काम दिए जाने की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां पर पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। और एयर कार्गो भी अभी मिला है महाराष्ट्र को पहला भोपाल हवाई अड्डे पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो टायलर पुरस्कार दो लोगों को मिलेगा, एक तो है भारतीय पवन सुखदेव और दूसरी है ग्रिचेन डेली जो कि है यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो पुरस्कार है दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। पवन सुखदेव की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में भारत के सद्भावना राजदूत हैं, साथ ही साथ पर्यावरण अर्थशास्त्री भी हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए यह पुरस्कार इनको 2020 के लिए ग्रिचेन डेली के साथ में दिया जाएगा। तो ये है पवन सुखदेव। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2020 यानी कि इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो भारत की विकास दर यहां पर रहेगी 5% जो कहा है एनएसओ ने, जो कहा है आरबीआई ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6% से ये 6.5% भी रहेगी, यानी कि 2019-20 के लिए ये 5% होगी और 2020-21 के लिए 6% से 6.5% ये रहेगी। थीम इस बार की रही वेल्थ क्रिएशन, ये एक अलग थीम थी। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ प्रो बिजनेस पॉलिसीज स्ट्रेनिंग दी ट्रस्ट इन दी इकोनॉमी, यानी कि किस प्रकार से बिजनेस के लिए अनुकूल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए या नीतियों को बढ़ावा दिया जाए और इकोनॉमी में जो विश्वास है उसको और बेहतर किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है और मुख्य वित्तीय सलाहकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। वर्तमान में मुख्य वित्तीय सलाहकार कौन है, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, उनका नाम आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो अभी सुबह आपको 6 से 7 बजे के अंदर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किसे मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी यानी कि चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर नियुक्त किया? तो ICC यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसने अनुराग दाहिया को नया चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर नियुक्त किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ICC की बात करें तो ये दुनिया में क्रिकेट को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है UAE के शहर दुबई में,
ध्यान रखिए आबू धाबी तो राजधानी है, दुबई में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष भी हैं भारतीय मनु साहनी और इसके सीईओ हैं। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से गलती हो गई है, शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं इसके मनु साहनी, तो ये भी करेक्शन है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुराग दाहिया को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक सूचकांक 2019 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किस स्थान पर रहा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके द्वारा रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था विदेश मंत्रालय के साथ में मिलकर के, तो इस सूचकांक में भारत का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रहा है 27वें स्थान पर, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के थिंक टैंक्स एंड सिविल सोसाइटीज प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया, कुल मिलाकर के दुनिया के 196 थिंक टैंक पर यह आधारित था। थिंक टैंक मुख्य रूप से होते हैं नीति निर्माता, जैसे हमारे यहाँ पर नीति आयोग है उसी प्रकार से अन्य जो बॉडीज होती हैं जो कि मुख्य रूप से नीति निर्माण में अपना योगदान देती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं थिंक टैंक। यहाँ पर जो भारत का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये तो रहा 27वें स्थान पर, इसके अलावा बेस्ट सम्मेलन की जो सूची जारी हुई उसमें रायसीना डायलॉग रहा है 7वें स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग दुनिया के नंबर एक थिंक टैंक की बात करें तो वह यूएसए का एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई पर एक फैशन शो आयोजित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, तो इस देश का नाम है नेपाल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आरबी डायमंड्स एंड कासा स्टाइल के द्वारा नेपाल पर्यटन बोर्ड के साथ में मिलकर के 5340 मीटर की ऊंचाई पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया और इसी के कारण इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति यहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं केपी शर्मा ओली, और अभी एक चेक पोस्ट बना है भारत और नेपाल के बीच में, आपको उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ के पीएम केपी शर्मा ओली के द्वारा किया गया था। ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ हमारा प्यारा भारत और ये आपको मिलेगा नेपाल, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया ने किस रेलवे जोन के साथ पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर सामान को लाया ले जाया जाता है अमेजन कंपनी के, तो ये समझौता किया है पूर्वी रेलवे के साथ में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कलकत्ता का जो सियालदह स्टेशन है यहाँ पर पिकअप कियोस्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 2019 में अमेजन के द्वारा मुंबई के 4 स्टेशनों पर इसकी स्थापना की गई थी। अमेजन कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी, संस्थापक इसके हैं जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। तो ये नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं नेपाल देश में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेपाल में वर्तमान में भारत के राजदूत हैं मनजीत सिंह पुरी, तो इनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है और इसी के कारण अब विनय मोहन क्वात्रा नए राजदूत होंगे भारत के नेपाल देश में, और गृह मंत्रालय के द्वारा राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। विनय मोहन पात्रा 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और यूएसए में अभी एक नए राजदूत बने हैं भारत के, जिनका नाम है तरनजीत सिंह संधु, और यूएसए में जो पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला ये सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, इनको बनाया गया है नया विदेश सचिव, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तरनजीत सिंह संधु इस समय कार्यरत हैं श्रीलंका में, तो ये आप देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में 65वें राष्ट्रीय पुरस्कार फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत किस राज्य में हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई है त्रिपुरा राज्य में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अंडर 17 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, और त्रिपुरा के सीएम बिप्लव कुमार देव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और पूरे भारत से इसमें 38 फुटबॉल टीमें शामिल हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब यहां पर जीता है पंकज आडवाणी ने, जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में, और वहां पर फाइनल मुकाबले में
पंकज आडवाणी ने सौरभ कोठारी को 5-2 से हरा दिया। तो इस प्रकार से इनका यह 33वां राष्ट्रीय खिताब था और सीनियर वर्ग में 10वां खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है और ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। आपको बताना है सौरभ कोठारी किस राज्य के हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज आडवाणी को। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान में 15वें ई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो 15वां ई सम्मेलन होगा इसका आयोजन किया जाएगा IIT बॉम्बे में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज से इसकी शुरुआत होगी और ये कल तक चलेगा। एशिया की सबसे बड़ी उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली संस्था IIT बॉम्बे के ई सेल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें कई सारे लोग शामिल होंगे, जैसे कि विप्रो के जो चेयरमैन हैं रिशद प्रेम जी, अनुराग कश्यप हो गए, फिर जो ट्विटर इंडिया के CEO हैं माहेश्वरी, तो ये सारे लोग इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का जहाज HMAS टूअम्बा भारत की यात्रा पर आया था? तो ये जहाज है ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय है मुंबई में और यहाँ पर HMAS टूअम्बा पहुँचा था। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और PM यहाँ के हैं स्कॉट मॉरिसन। अभी जापान का एक जहाज आया था, कहाँ पर? चेन्नई पोर्ट पर। उसका नाम आपको नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, 2019-20 के लिए दूसरे पेन गौरी लंकेश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो दूसरा पेन गौरी लंकेश पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा जम्मू और कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमील को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और गौरी लंकेश के बारे में आपको पता होगा, 2018 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये मुख्य रूप से दक्षिण की एक पत्रकार थी और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो जो पहला संस्करण था वो मिला था पी महमूद को, ये एक कार्टूनिस्ट है, और इसका दूसरा संस्करण दिया जाएगा यूसुफ जमील को। एक पुरस्कार गौरी लंकेश के नाम पर और है, उस पुरस्कार का नाम है गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार, और उसका जो पहला संस्करण था उससे से सम्मानित किया गया था NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को, जिन्हें पिछले वर्ष रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और यूसुफ जमील की बात करें तो ये डेक्कन क्रॉनिकल के पत्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूसुफ जमील जी को। अगला प्रश्न है, टॉम यातायात सूचकांक यानी कि ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक यातायात वाला शहर कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि ट्रैफिक में लोगों का कितना समय जाया होता है, कितना समय बर्बाद होता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर यहाँ पर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रौद्योगिकी कंपनी टॉम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें 57 देशों के 416 शहर शामिल हैं। मुंबई रहा चौथे स्थान पे, पुणे यहाँ पर है 5वें, नई दिल्ली रहा है 8वें स्थान पे। वहीं पर फिलीपींस की राजधानी मनीला दूसरे स्थान पे और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तीसरे स्थान पे रहा है। तो आपको यहाँ पर भारत के जो शहर हैं उनका नाम एटलीस्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की नेता M कमलम का निधन हुआ, वह किस राज्य की पूर्व मंत्री थी? तो ये केरल सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला PSU कॉरपोरेट बॉन्ड भारत बॉन्ड ETF किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? दूसरा प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? तीसरा प्रश्न है, समर्थ पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? चौथा प्रश्न है, फीफा U19 फुटबॉल विश्वकप का खिताब किसने जीता? और पांचवा प्रश्न है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। अब चलते चलते कुछ अन्य प्रश्नों के ऊपर भी हम थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है इस पर नेपाल ने ये पेशकश की है कि हम दोनों देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है, कल मैंने ये आपको बताया था कि RBI के द्वारा HDFC बैंक के ऊपर 1,00,000 का जुर्माना, लेकिन वो गलत था, वो जल्दबाजी में मैंने बता दिया था, वो जुर्माना था 1,00,000 का। आयरलैंड की इमियार नून, नाम इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इमियार नून इनका नाम है, ये ऑस्कर अवार्ड जो इस वर्ष शुरू होंगे उसमें आर्केस्ट्रा को आयोजित करने वाली पहली महिला होंगी।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और लेखक तुषार कांजीलाल जी का निधन हो गया। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा टाइटन कंपनी के सहयोग से निर्मित खादी कलाई घड़ी को लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आज बजट भी आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को या तो बजट का वीडियो डिस्कस कर लें या फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग है कि नोट्स किस प्रकार से बनाएं और डिफरेंट एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, उस वीडियो को भी मैं कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।